हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यार अभी अभी सो के उठा हूँ मैं, और दोपहर के बज गए 12। अब बाहर का व्यू देखते हैं थोड़ा, क्या सीन है बाहर। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि मैं अभी निकला नहीं बाहर, और बाहर का मौसम ठीक ठाक ही है। दिखाता हूँ आपको, वेदर इस समय थोड़ा क्लाउडी है और तो ये है मेरे घर से चल रही है। मौसम सही है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। दो दिन के बाद टाइम मिला है, तो मैंने जैसे कल कहा था, मैं कल रात को आने के बाद व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो जैसे मैंने कल कहा था, फिर आज एक इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जापान कैसे आना है, कैसे आ सकते हैं। अब इसी को सीक्वेंस में निकालेंगे, सीक्वेंस में इसका वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं यार, भाई जापान आना है, कैसे आना है, क्या कोर्स करूँ, क्या स्टडी करूँ, तो वो सब चीज़ें, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल होता हूँ मैं फ्रेश, कुछ बनाते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद करते हैं ब्लॉग कंटिन्यू। चलते हैं, अभी कुछ लेके आते हैं सामान खरीद के। कुछ यार बहुत भूख लग रही है मुझे, चलते हैं फटाफट। अब मैंने लाइट जलाने के बदले बुझा दी, स्कूटी का अंधेरा हो गया। हाँ तो कुछ ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर भी आ गया अमेज़ोन से, तो अंकल मुझे रास्ते में मिल गए। हाय, तो 4524円, 4524, 4524 रुपये का हुक्के का फ्लेवर है, बता यार। जरा मैं इनको पैसे दूँ पहले। अंकल चिल्लड़ गिन रहे हैं। अरे या तो बजामास, बड़ी परेशानी है यार ये। एक एक किलो के हिसाब से जेबों में चिल्लर हो जाती है हर चीज़ में। ये देखो 1000 रुपये के सिक्के दे गए अंकल, बहुत भारी हो जाती है जेब। मैंने अभी कम से कम 2000-3000 रुपये की चिल्लर निकाल के रखी है। तो अभी चलते हैं, आगे दिखाऊंगा मैं आपको क्या सामान आया है। इस जो मेरा सामान आया था मैंने वो रिसीव कर लिया। मैंने मंगाया था हुक्के के लिए फ़्लेवर, मेरे पास फ़्लेवर नहीं था, तो मेरे को 250 ग्राम फ्लेवर पड़ा 5000 रुपये का। और कल मैं हुक्का गया था यार, एक बार बाहर जाने में ही ना यहाँ पर कम से कम आपका 4-5 हज़ार रुपये का एक बार में आ जाता है खर्चा। तो बाहर जाना तो बिल्कुल यार, कहते हैं ना, बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जा सकते हैं वंस इन अ वाइल, बट यार इतना यहाँ इंडिया से बाहर रह के इतना खर्चा करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। हर दिन दो दिन बाद तो आप महीने के 40,000-50,000 तो इन्हीं चीज़ों में फूंक दोगे। मैं कल लगभग 6 महीने बाद गया हूँ। मैं पहले स्टार्टिंग में जाता था जब आया था, मेरे पास हुक्का नहीं था, बट घर से हुक्का भेज दिया था फैमिली ने। तो ये देखो कितनी चिल्लर जमा हुई है, इसी से लेके आऊँगा, जापानियों को दे के आऊँगा वापस। गाइस मैं ये क्या, जो आपके सवाल थे कि भाई जापान कैसे आना, तो उसका चलते चलते ही बात कर लेते हैं। थोड़ी बहुत अभी कर लेंगे, थोड़ा घर पे जाके कर लेंगे। देखो यार, जापान आने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है, आप आ सकते हो। सबसे उसमें देखो, जो चीज़ें मुझे पता है, शायद कुछ चीज़ें रह गई हों भाई तो उसके लिए सॉरी। जितना मुझे पता है मैंने आपको बताया, जो मैंने पूछताछ करी है, जो मुझे पता चला है मैं आपको वही बताऊँगा। बट उसमें से एक तरीका वो भी बताऊँगा जिस तरीके से मैं आया हूँ, ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहला तरीका यहाँ पर आने का है कि आप किसी जैपनीज़ कंपनी में काम कर रहे हो इंडिया में, कोई भी जैपनीज़ कंपनी है उसमें आप काम कर रहे हो इंडिया में, उसकी ब्रांच है वहाँ पर, उसके थ्रू आप आ सकते हो, ठीक है। उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, आपको यहाँ भेज दिया। दूसरा होता है यार, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। आप कुछ, जैसे आपने एजुकेशन, कोई भी आपकी स्टडी कर रहे हो, आपने कुछ जैपनीज़ कल्चर से रिलेटेड कुछ चूज़ कर लिया या जैपनीज़ लैंग्वेज चूज़ कर ली, तो उसके लिए आपको स्टडी के लिए आपकी यूनिवर्सिटी एक साल के लिए जापान भेजती है। एक साल का प्रोग्राम होता है, उस बीच में वो आपकी अच्छी पकड़ और कैपेबिलिटी होती है कि आप अपने सोर्सेज कैसे बनाते हो, इंटरव्यूज़ के लिए कैसे स्पेस निकालते हो। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू कोई ऐसा प्रोग्राम चूज़ करते हो स्टडी की जो जापान से या कल्चर से रिलेटेड हो, तो आप आ सकते हो।
तीसरा, जापान में सबसे ज़्यादा स्कोप है आईटी लाइन में भाई, जितने भी आईटी के लोग हैं ना वो फुल ट्राई करो भाई, ऑनलाइन जॉबें निकलती रहती हैं। हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि 100,000 लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अगर आप आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप ज़रूर सेलेक्ट होगे। तो सबसे ज़्यादा आईटी के, और इंडिया यहाँ पर आईटी में छाया हुआ है भाई, बहुत बहुत रिस्पेक्ट है इंडियंस की आईटी में, आईटी सेक्टर में, ठीक है भाई। तीसरा है मेडिकल स्टूडेंट, जितने भी हैं मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के दरवाजे खुले हुए हैं, आपको पता ही है, ठीक है। चौथा है भाई आपका सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका जो मैं कहता हूँ वो है, आपने कोई भी आपने जैपनीज लैंग्वेज कोर्स ले लिया, स्टडी कर ली, ठीक है। जैपनीज लैंग्वेज स्टडी करना चाहते तो उसके बहुत सारे इंडिया में भी हैं स्कूल्स, इनके जैपनीज के इंडिया में स्कूल्स हैं, तो आप उनके स्कूल से 6 महीने का, 8 महीने का या साल भर का कोई भी कोर्स कर सकते हो, और उस कोर्स को करने के बाद आप आगे की पढ़ाई के लिए जापान के लिए उस स्कूल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत इजी तरीका हो जाता है यार आने का, और आप यहाँ पर आके जापनीज़ लैंग्वेज पढ़ते हो, अपने आप को और इम्प्रूव करते हो, और आपकी स्टडी ख़त्म होने होते आपके इतने सोर्सेज बन जाते, स्टडी ख़त्म होती है, आप आराम से इंटरव्यू दो यार, इंटरव्यू दो खूब यहाँ वहाँ, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है यार। अगर आपको जापनीज़ लैंग्वेज आती है तो सब कुछ होगा जापान में, अगर लैंग्वेज नहीं आती है ना तो भाई बहुत मुश्किल है। ये तरीका जो है ना जापनीज़ लैंग्वेज आप स्टडी करना चाहते हो तो जापान में, दिल्ली में इसके कई सारे स्कूल हैं, मैं क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली की बता सकता हूँ, बाकी आप अपने कहीं भी आपका जो भी स्टेट है आप जहाँ भी रहते हो आप सर्च मारोगे ना तो यार जापनीज़ लैंग्वेज स्कूल आपके निकल आएंगे, वहाँ से आप 6 महीने का कोर्स करके आगे की पढ़ाई के लिए जापान के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, 2-2.5-3 लाख रुपये, 4 लाख, मतलब टोटल 5 लाख में आप जापान पहुँच जाओगे। हाँ, और आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो आपको डेली 5 घंटे काम करने को मिलता है यार, और यहाँ पर जो बेसिक वेजेस है ना वो है 900 येन पर आर के हिसाब से, तो 900 येन पर आर कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, 900 रुपये येन कम से कम हर घंटे का काम का मिलेगा आपको, और आप अच्छी लैंग्वेज जानते हो तो आपको ज़्यादा ही मिल सकता है, मतलब 1400-1500 तक भी मिल सकता है अगर आपको अच्छी लैंग्वेज आती है तो, नहीं तो 900 रुपये घंटा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मैं ज़रा सा ATM में घूमाऊँ उसके बाद करते कंटिन्यू बात, मेरा काम ख़त्म हो गया यार ATM का, थोड़ा सा मुझे अमाउंट निकालना था, पैसे नहीं है मेरे पास। तो आप यहाँ पर सबसे अच्छा देखो यार, मैं तो सजेस्ट करूँगा भाई जैपनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम सजेस्ट करूँगा, इंडिया में 6 महीने या 1 साल का कोर्स करो, उसके आगे पढ़ाई के लिए जापान के लिए अप्लाई करो, जापान के लिए आराम से आपका हो जाएगा, आपको 5 घंटे मिलेंगे जब तक आप स्टूडेंट रहोगे, 5 घंटे पर डे, ठीक है भाई। और 900 से लेके 1500 तक स्टार्टिंग में जितने लोग बिगिनर हैं उनको तो 900 रुपये पर घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो यार अगर आप अपना घर में खाना बनाओगे, खाओगे यार, सब कुछ करोगे ना तो अच्छे से पैसा बचा भी सकते हो, ठीक है। इतना भी घर भी भेज दोगे यार अपनी, अपने एजुकेशन का निकालने के बाद ना 35-40 हज़ार रुपये घर भी भेज दोगे, और भाई वही फिर क्या कहते हैं यासी की चुल मचेगी, तो भाई कितना ही पैसा कमा लो वो तो कम ही है। अगर आप रिजर्व रहने वाले हो, मस्ती अयाशी की तरफ नहीं अट्रैक्ट होने वाले, तो आपके लिए बहुत बढ़िया जगह है यार। देखो अय्याशी की चुल तो ऐसी होती है, अच्छे अच्छे इंसान को खा जाती है, कभी कभी होनी भी चाहिए अय्याशी, मींस मैं ये नहीं कह रहा कुछ गलत काम कर रहे हो, बंदा पीता खाता है यार, कभी क्लब गया, कभी ये गया वो गया, तो होता है, तो बंदा अच्छा पैसा बचा सकता है यार, मतलब महीने का 70-80 हज़ार रुपये आप निकाल लोगे, 30-40 हज़ार, 20-30 हज़ार रुपये घर भेज के ना यार यहाँ पर अच्छे से रह खा लोगे, अपने घर में खाना बनाओगे, मस्ती से रह लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा। और जो चौथा पांचवा है पता नहीं कौन सा है, मैं तो भूल ही गया, पहले ले लेते हैं सामान फिर चलते हैं।
भाई 800 रुपये का नाश्ता हो गया, और बिल भी जमा करा। तो गाइस मैंने ले लिया सामान अपना नाश्ते के लिए जो भी लेना था। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, क्या तो बात है, तो मैं ये कह रहा था कि स्टूडेंट वीज़ा में आप, मैं आपको करूँगा लैंग्वेज कोर्स। बाकी आईटी के बंदे जितने भी हैं ना भाई, आईटी लाइन के बंदों के लिए जॉब की कोई कमी नहीं है किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, जापान में भी नहीं। जापान में अधिकतर आईटी में जैन लोग हैं, बहुत लोग मिलते रहते हैं, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट वीज़ा में इतने पैसे मिल जाएंगे कि आप अपना खर्चा निकाल सको, फीस का, यहाँ का खाने का, और थोड़ा बहुत अपने घर भी भेज सकोगे। और उसके साथ साथ आप ट्राई करते रहो अच्छी जॉब के लिए। जैसे आपका कोर्स ख़त्म होता है, किसी भी जापानीज कंपनी ने अगर आपको सिलेक्ट कर लिया, आप सिलेक्शन हो गई, तो यार आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी फिर, क्योंकि ये लोग हमेशा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत वैल्यू है इंसान की हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इंसान की वैल्यू है, मशीन की वैल्यू नहीं है, किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है, इंसान की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इंसान की जान की वैल्यू। और लास्ट वीज़ा है वो है यार कुक वीज़ा। कुक वीज़ा जो है जिसको शेफ़ कहते हैं हम लोग, तो कुक वीज़ा भी यहाँ पर अच्छे खासे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, जापानीज लोग पसंद करते हैं इंडियन खाना खाना। तो आप कुक वीज़ा में, जितने भाई कुक हैं, कुक वीज़ा में अप्लाई कर सकते हो, कुक वीज़ा में यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। या लास्ट है बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा में भाई 25-30 लाख, 35 लाख रुपए अपने अकाउंट में दिखा के आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। 35-40 लाख, 50 लाख आपके अकाउंट में है, आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो अम्बेसी देखेगी आपके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं। आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आप वहाँ जाके उनकी कंट्री के लिए क्या कर सकते हो, पैसा लगाओगे कि नहीं लगाओगे वहाँ जाके। तो आपके अकाउंट में अच्छा पैसा है तो आप बिज़नेस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो यार। बाकी यार स्किल्ड लेबर जो कहते हैं ना, स्किल्ड लेबर वीज़ा, उसमें 8-9 वीज़ा आते हैं, मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। स्किल्ड लेबर वीज़ा में आते हैं कुक वीज़ा, ठीक है, और आई थिंक मेडिकल डॉक्टर का भी आता है, पेंटिंग आता है, आर्किटेक्ट वीज़ा आता है, और जो भी ये म्यूजिशियन होते हैं वो वीज़ा आता है। तो 8-10 वीज़ा होते हैं, अगर आप गूगल पर जाके सर्च मारोगे स्किल्ड लेबर वीज़ा, स्किल्ड लेबर वीज़ा में, तो आपको सब पता चल जाएगा कैसे कैसे। बाकी ये चीज़ें मुझे पता थी यार, 4-5 जो मैंने आपको बताई हैं अभी, ठीक है। ये बेस्ट वे है आने के, इसके आगे तो तरीका कोई मुझे भी नहीं पता। मुझे सबसे अच्छा लगा जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं भाई अपना, वो लैंग्वेज कोर्स करें तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। जैपनीज लैंग्वेज कोर्स करके अगले वहाँ पर आपका जैसे भी जैपनीज लैंग्वेज कोर्स आपका 1 साल का 6 महीने का ख़त्म होगा, आप जापान के लिए अप्लाई कर सकते हैं आराम से कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए जापान जाना चाहता हूँ लैंग्वेज स्टडी के लिए। तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं देखता हूँ कोई लेटर तो नहीं आया हमारा, कुछ तो पड़ा है इसके अंदर, एक मिनट ना। मेरा भी अब आने वाला है, मुझे लग रहा है मेरा ही है ये। आ गया मेरा। ब्लीच में मैंने व्लॉग रोक दिया है, थोड़े से लेटर वगैरह आ रखे हैं टैक्स वगैरह भरने के लिए। तो अभी मैं पहुंच गया घर। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है ना वो है जापानीज लैंग्वेज कोर्स का, मुझे लगता है। देखो आईआईटी वाले बंदे तो जितने हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत जॉब खुली हैं, आप जाके ऑनलाइन सर्च मारोगे जापान के लिए तो आपको साइट्स भी दिखा देगा, ठीक है। तो आईटी वालों के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जॉब के लिए बहुत दिक्कत है। आईटी मेडिकल में यार पूरी दुनिया में लोगों को ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जितने भाई जो नॉर्मल कहते हैं ना, जो नॉर्मल एजुकेशन है, ग्रेजुएशन कर लिया, प्लस टू कर लिया, क्या करें क्या ना करें कुछ नहीं पता लाइफ में, उनके लिए बता रहा हूँ। क्योंकि कई सारे भाइयों के मैसेज आ रहे थे, भाई मैकेनिकल इंजीनियर में कैसे आना है। और मैं आपको सब ये जितने भी आपको मैंने बताया ना कि आने के तरीके, जितने भी तरीके आने के भाई, इनके साथ साथ अगर आने के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये सोच लो आप पहले कि भाई वहाँ जाने से पहले मैं थोड़ा लैंग्वेज कर लूँ, या यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियो पड़ी हुई हैं, ठीक है, जापानीज लैंग्वेज के रिगार्डिंग दुनिया भर की। आप जाके कोई भी बुक खरीद सकते हो यार, कोई बुक खरीद लो,
कुछ भी, मतलब जैपनीज लैंग्वेज अपनी इम्प्रूव करना स्टार्ट करो, थोड़ा बेसिक हेलो हाय गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग सॉरी ये सब चीज़ें, इंट्रोडक्शन अपना, ये सब चीज़ें अपनी पक्की करो। और भाई देखो ऐसा है, मैं आपको अपने भाइयों की तरह बताता हूँ, देखो मैंने यूट्यूब चैनल को, यार इसके लिए कोई मेरा कोई ये काम नहीं है, बस ये कि हाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं यूट्यूब चैनल से मुझे इसलिए प्यार हो गया क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया था तो मैं बहुत अकेला फील करता था, कोई दोस्त नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था और ये वीडियो बनाने स्टार्ट करी थी, तो मेरा थोड़ा टाइम पास होने लगा, उसके बाद आप लोग जुड़ गए तो अच्छा लगने लगा, मज़ा आने लगा। ठीक है भाई, तो आने से पहले भाई बेसिक कोर्स, बेसिक अपना घर में ही कर लो, हेलो हाय गुड आफ्टरनून इंट्रोडक्शन वगैरह, और ट्राई करो। ठीक है भाई, और भाई मैं आपको एक बात और ज़रूर बता दूं भाई, देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आपने वीज़ा अप्लाई करा, कुछ भी वीज़ा, कोई भी वीज़ा आपने अप्लाई करा एक बार में आपका हो गया, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है टच वुड हो जाए आपका, पर मैं अपनी बताया था, मेरा 2 बार वीज़ा कैंसिल हुआ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, डॉक्यूमेंट्स ख़राब थे, और 4 4 5 5 महीने बाद मुझे पता चला मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया। 3 साल बाद जाके मेरा वीज़ा फाइनल, 3 साल बाद तीसरा वीज़ा ट्राई करा था, तब जाके मेरा वीज़ा लगाया भाई। ठीक है, तो मैं ट्राई काफ़ी टाइम से कर रहा था, बट गिव अप मत करो, ट्राई करते रहो यार। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ चीज़ करना चाहते हो वो चीज़ नहीं होगी कभी फ्यूचर में, ज़रूर होती है, बट यार उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रखो और ट्राई करते रहो। बाकी जो मैंने आपको बताया ये सब वीज़ा हैं, आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपकी प्रोफाइल है या आप स्टडी कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, जो मैंने आपको बता दिया वो मिनिमम यहाँ पर वेजेस क्या क्या है, कम से कम आपको 900 रुपये घंटा पर घंटा मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये पर घंटा मिलेगा अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है जैपनीज़। तो यह पैसा बढ़िया तरीके से अच्छा पैसा कमा सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं कि पैसा नहीं कमा सकते, पैसा नहीं है, पैसा अच्छा है यहाँ पर, और आप कंट्रोल में, अपने खर्चे कंट्रोल में रखोगे तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी थोड़ा बहुत पैसा अपने घर अपने परिवार के पास भेज सकते हो यार। सबकी इच्छा होती है यार, मैं समझ सकता हूँ, सबको लगता है कि अपनी फैमिली को, माँ बाप को, बहन भाई के लिए कुछ करें, तो ऐसा नहीं है यार, एक अकेला ऑप्शन है ये, किसी भी कंट्री के लिए आप ट्राई कर रहे हो ना, तो गिव अप मत करो, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखो, प्रॉपर रखो, एजुकेशन प्रॉपर रखो। एक भाई का मैसेज आया था, मुझे बहुत बुरा लगा उनके बारे में, मेरे को भाई कह रहे हैं कि यार भाई मैं आना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो देखो दोस्त, आपको कुछ भी करना है ना तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं भी यार देखो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ऐसा बहुत रईस परिवार से मैं नहीं हूँ, किसान परिवार से हूँ। ठीक है, और इतना कुछ सपोर्ट था नहीं और ना मैंने कभी लिया। ठीक है, बट खुद से पैसा जमा करा, थोड़ा बहुत मेरे भैया ने करा, थोड़ा बहुत मैंने करा, सब कुछ करके उसके बाद खुद ही 2 3 साल पैसा जमा करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ जब मेरे पे हो गया है। क्योंकि यार आपको कोई नहीं कहेगा कि मैं आपका पैसा लगा देता हूँ आ जा भाई, और जो कहेगा ना वो आपको काटेगा भाई, ये बात ध्यान रखना। जो जितने भी ये सारे के सारे कहते हैं ना दलाल लोग होते हैं, इनसे दूर रहना भाई, बहुत पैसा काटते हैं लोगों से, 15 15 16 16 लाख रुपए लेके लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बेचारे गरीब गरीब लोग हैं, अपना घर गिरवी रख के आए हैं जिनको मैं जानता हूँ, और मेरा कुछ ऐसा नहीं है भाई, ना मैं ये काम करता ना मेरा ये बिजनेस, मैं तो सीधी साधी नौकरी करने वाला हूँ, थोड़े में खाने वाला इंसान हूँ। किसी भाई की मदद हो जाए तो मुझे भाई बस याद रख लेना, दुआओं में याद रख लेना, और मेरे परिवार के लिए दुआ कर लेना, मेरे को बस इतना ही आपसे लालच है और कुछ लालच नहीं है। अगर किसी का हो गया भला तो ऊपर वाला देखता है बस, बाकी मैं आपको बचाऊंगा, जहाँ पर आप फंसने वाले होगे, हो सकता है आप मुझे बताओगे तो डेफिनेटली बचाऊंगा। दलालों से दूर रहना भाई, इनके चक्करों में मत आना, ये लोग साले पैसे लूटते हैं लोगों से, यहाँ पर आके लोगों को छोड़ देते हैं, ऐसा भी है बहुत सारी कंट्रियों में ऐसा होता है। तो ये सब 5 7 वीज़ा हैं, इन वीज़ा पर आप जाके ट्राई कर सकते हो, और सबसे बेस्ट है जो भाई नॉर्मल स्टडी, ग्रेजुएशन, नॉर्मल BA VA करी है या +2 करके सोच रहे क्या करें, तो भाई लैंग्वेज कोर्स कर लो, और लैंग्वेज कोर्स करने के बाद आप आगे की पढ़ाई के लिए जापान आ जाओ। जापान आओगे मेरा फुल सपोर्ट रहेगा, आपको पूरा सपोर्ट करूँगा जितना मुझे यहाँ पर पता है, जितना भी है, और नहीं पता है उसके लिए भी सपोर्ट पूरा करूँगा जितने भी लोग हैं उनके थ्रू। ठीक है भाई, तो ये था भाई जितनी नॉलेज मुझे पता था। बाकी देखो चुल वाले लोग होते हैं, जो चुल वाले लोग होते हैं तो उनको 1 करोड़ भी मिल जाए तो वो भी खर्च कर देते हैं भाई, इसलिए चुल की बीमारी घर छोड़ के आना। और जो भाई मैंने पहले ये बोला था व्लॉग में, जो भाई मेहनत नहीं कर सकता, जिसके अंदर बहुत आराम बसा हुआ है भाई, वो मत आना, बहुत परेशानी हो जाएगी, लाइफ झंड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लाइफ झंड हो जाती है बंदे की काम करके। जापानी खुद से 15 15 14 14 घंटे काम करते हैं, तो उनके सामने हम हैं क्या। मैंने आपको बताया था कि मैं होटल लाइन का बंदा हूँ। ठीक है, रात शाम को 3 4 बजे 5 बजे ड्यूटी जाता था, सुबह 5 बजे आता था, दिन भर सोता था, बट आज के टाइम पे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 5:30 बजे ड्यूटी पहुँचता हूँ,
और शाम को 7:30 बजे 7 बजे 8 बजे आता हूँ, खाना वाना बनाता हूँ, खाना वाना बना के 12 बज जाते हैं मुझे यार, 12 से फिर 4.5 घंटे सोता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत, मैं बहुत बड़ा, मेरे अंदर बहुत पावर है, बहुत स्टेमिना है, ये कुछ नहीं है भाई, मजबूरी है इंसान की, यहाँ पर आए हो कमाओ और निकलो। तो भाई आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करा करो यार, सब्सक्राइब करते हो अच्छा लगता है, नहीं करा तो कर लेना, बाकी सजेस्ट करना अपने दोस्तों को भी, किसी को भाई को पसंद हो तो। बाकी यार वो आपकी मर्ज़ी है, आप करो ना करो, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, जैसे मैंने हमेशा बोला है वीडियो बनाऊँगा। अब ये वीडियो स्टार्ट करिए, यहाँ से बनानी, अब मैं इसके सीक्वेंस बनाऊँगा, क्योंकि भाइयों के मैसेज आ रहे हैं तो आपको बाहर का दिखाता कम हूँ, थोड़ा सा वीडियो बनाता हूँ पहले आपके काम की। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।